सकरदरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर पर छापेमारी में कई घातक हथियार जब्त किए हैं। इनमें तलवार, कुकरी और देसी कट्टा सहित कारतूस भी शामिल है। आरोपी का नाम रघुजीनगर निवासी मारुति गजानन कोठेकर बताया गया है, जो फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे 6 घंटे के भीतर पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। गश्त पर मौजूद एपीआई प्रवीण धड़े को पता चला कि मारुति ने घर में कई घातक हथियार जमा कर रखे हैं और उन्हें तुरंत ही छापेमारी की। इस समय मारुति घर पर नहीं था। पुलिस को तलाशी में उसके घर से मयान के साथ एक कुकरी, मयान के साथ एक लोहे की तलवार, देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस, पैलेट गन की लकड़ी समेत अन्य सामान मिले हैं। इसकी कीमत 15,540 रुपए आकी गई है। पुलिस के छापे की खबर मिलते ही मारुति फरार हो गया। पुलिस को पता चला कि वह मध्य प्रदेश के मोहखेड़ थाना क्षेत्र में है। उसके मोबाइल की लोकेशन भी आसपास ही बता रही थी। पीआई चंद्रकांत यादव ने तुरंत ही एक टीम मोहखेड़ के लिए रवाना कर दी। तकनीक का उपयोग करते हुए परफेक्ट मोबाइल लोकेशन के जरिए मारुति को पकड़ लिया गया। सकरदरा पुलिस ने यह पूरी कार्यवाही केवल 6 घंटे में पूरी की है। यह कार्यवाही डीसीपी डॉक्टर अक्षय शिंदे, एसीपी हेमानंद नलावड़े के मार्गदर्शन में पीआई यादव, एपीआई सागर आवाड़, एपीआई राजू बस्तावड़े धड़े, नितिन राउत, हेमंत उइके, विद्याधर पौनीकर, सुनील बेलसरी, कविता ओगारी आदि ने की। आपल्याला 5 तारखेला अशी एक माहिती मिळाली होती, रघुजीनगर समोर क्वार्टर या ठिकाणी राहणारा एक व्यक्ती आहे, तर त्याच्या घरात काहीतरी वेपन ठेवलेले आहेत। तर त्या आधारावरती PSI धडे आणि आपला पूर्ण स्टाफ जाऊन, API अवॉर्ड, PSI धडे, पूर्ण स्टाफ जाऊन ती घराची झडती घेतली असता त्या घरामध्ये एक बंदूक, छऱ्याची बंदूक मिळाली, एक देशी कट्टा, 2 तलवारी, 2 .303 जिवंत राऊंड एवढं शस्त्रसाठा मिळाला। त्या शस्त्रसाठा ताब्यात घेतला, त्याच्यानंतर त्याबाबत त्याला त्या घरात राहणारी महिला त्याबाबत तिच्याकडे ती विचारणा केली असता ती तिनं तिचा पती नामे मारुती कोठेकर याचं यानं ती शस्त्रसाठा ठेवला असल्याबाबतचं सांगितलं। हा मारुती कोठेकर हा रिटायर्ड मिलिटरी मॅन आहे, तो मिलिटरीत होता, अगोदर 17 रिटायर झालेला आहे आणि त्यानं हा स्वतःच्या घरात तो साठा शस्त्रसाठा ठेवलेला होता। त्याप्रमाणे त्याला आपण ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे आणि सदर गुन्ह्याचा पुढचा तपास चालू आहे। प्रथमदर्शनी अजून तसं काय निष्पन्न झालं नाही, त्याच्याकडे जर विचार केला तो त्याला ते मिळाले होते म्हणून त्यानं ती ठेवलेत असं सांगतोय, पण ती काही तथ्य वाटत नाही त्याच्या सांगण्यामध्ये। तर त्याला आम्ही कस्टडी घेतलेली आहे, आपण उद्यापर्यंत पोलीस कस्टडीत आहे तो, तर अधिक तपास करत आहोत। कॅमेरा पर्सन मायकल के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।